बात करते हैं बरेली की, जहां पैगंबर इस्लाम की शान में हुई गुस्ताखी के खिलाफ नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग एक बार फिर उठी। इस्लामिया मैदान में हजारों की भीड़ जुटी और मंच से आईएमसी प्रमुख मौलाना तोके रजा खान ने देश में पनप रहे मौजूदा हालात को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर विरोध कर रहे युवाओं का समर्थन किया तो दूसरी ओर प्रशासन को ज्ञापन देने से इनकार किया। बता दें, रविवार के दोपहर के बाद आईएमसी की ओर से योमे दूरत कार्यक्रम में मौलाना ने कहा कि मैं ज्ञापन लेकर आया हूँ, अगर कितना समय हो गया हमें प्रदर्शन करते हुए, मगर सरकार ने नोटिस नहीं लिया। अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हम ट्रेन नहीं चला रहे, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही। जो लोग ट्रेन जला रहे हैं उन पर बुलडोजर नहीं चला। मौलाना ने कहा कि उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं है, इसलिए यूएनओ को ज्ञापन देंगे ताकि दुनिया को पता चले। वहीं आपको बता दें, इस्लामी मैदान में कार्यक्रम के दौरान मंच से मौलाना ने कहा कि रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाले हमें घर वापसी के लिए कहते हैं। मैं कहता हूं कि 1400 साल पहले जो रोशनी हमें मिली वो सभी तक नहीं पहुंची। इस्लाम में कोई ऊंच नीच नहीं है, सफ़े वाला भी नमाज पढ़ने आता है और साथ खड़ा होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लें तो हमें अपने सर पर बैठा लेंगे। ठीक है और शामियाना भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे आपकी तकलीफ का, आपकी परेशानी का एहसास है। मैं बात को ज्यादा तवील नहीं करूंगा, इतना कह के बात को खत्म करना चाहता हूं कि जो माहौल आज मैंने बरेली में दिखाया है, ये मैं 10 तारीख के जुमे में भी दिखा सकता था, मैं 17 तारीख के जुमे में भी दिखा सकता था, और मैंने जयपुर में भी जुमा नहीं था, ये जुमे से डर गए हैं।